हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ SBI एन्यू हेयर के डिटेल्स के बारे में। तो SBI एन्यू हेयर में आप एप्लीकेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आज बताऊँगा। इसके लिए आपका SBI में अकाउंट होना ज़रूरी है और आपका मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध होना चाहिए आपके स्मार्टफोन में। SBI एन्यू हेयर में आपका अकाउंट भी हो और ये वो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होंगे तो ये सुविधा आपके लिए है। इसमें क्या क्या सुविधा है ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है माय अकाउंट्स में आपके बैलेंस कितने हैं अकाउंट में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए अकाउंट नंबर मेरा और बैलेंस। डिपॉजिट अकाउंट्स में क्या होगा क्लिक करके देख सकते हैं। लोन अगर लेना है तो लोन अकाउंट्स में देख सकते हैं। फिर आता है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट क्या है? नोटिफिकेशन, जो भी आप छोटा छोटा स्टेटमेंट आपके लिए आता है बैंक से। और एम पासबुक क्या है? आपका जो अकाउंट का पासबुक है आपके पास वो जो है, और यहाँ पे एम पासबुक वही है। फ़र्क इतना है कि आप वो पासबुक लेके जाते हैं बैंक में अपडेट करने के लिए और यहाँ पे इंटरनेट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इसमें हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद देखते हैं और क्या है। फ़ंड ट्रांसफ़र तो आप जानते ही होंगे कि आप कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ई डिपॉजिट, इंटरनेट से आप डिपॉजिट कर सकते हैं कैसे। ओपन रिक्वायर डिपॉजिट, प्री मैच्योर, ग्लोसर डिपॉजिट इंक्वायरी, चेंज मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन। जो भी आप कुछ इंश्योरेंस वगैरह किए हैं तो ऑनलाइन थ्रू आपके अकाउंट में आके जमा हो जाएगा। टॉपअप और रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे कर सकते हैं आप अपने अकाउंट से। ये देखिए मोबाइल नंबर दीजिए, अमाउंट कितना रिचार्ज करना चाहते हैं यहाँ पे दीजिए, सिलेक्ट डेबिट अकाउंट, आपके डेबिट अकाउंट क्लिक करके OTP आएगा, OTP पुट करके आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। DTH रिचार्ज, अब अपने घर में अगर DTH है, मानो कि वीडियो कॉन DTH है या DISH TV है या डाटा स्काई प्लस है, जो भी है आप वहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। व्यूइंग कार्ड नंबर आप दीजिएगा, सिलेक्ट प्रोवाइड, ये सिलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल डिजिटल TV, DISH TV, अदर्स रिलायंस डिजिटल TV, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई, वीडियो कॉन, DTH, जो भी यहाँ पे आपका DTH है वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे ID दीजिएगा और अमाउंट जो भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं दीजिएगा। डेबिट अकाउंट चूज़ करके सबमिट कीजिएगा, OTP आएगा, OTP क्लिक करके सबमिट कीजिएगा, फिर आपका रिचार्ज हो जाएगा सिर्फ 2 सेकेंड में। तो और क्या है यहाँ पे? बिल पेमेंट्स क्या है? आप अपना इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने आप इसी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल या गैस बिल, जो भी बिल आप पेमेंट करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल भी, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। और यहाँ पे डेबिट कार्ड सर्विस कब आप हॉट लिस्टिंग कर सकते हैं, अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो गया है, कहीं खो गया है, तो आप अपना डेबिट कार्ड को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट छोड़िए, सर्विसेज, क्विक ट्रांसफ़र एक ऑप्शन है जो क्विक सेंड करता है आपको मनी दूसरे अकाउंट से। रिसीव भी कर सकते हैं, अगर रिसीव मनी करके किसी के अकाउंट का नंबर दीजिएगा तो उसके पास एक कंफर्मेशन मैसेज जाएगा कि आपको इतने पैसे का आवश्यक है, तो वो आपको मनी भेज देंगे। सेंड मनी क्या है? सेंड मनी तो आप मेरे अगले वीडियो पे आप देख लेंगे कि सेंड मनी में कैसे आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेबिट अकाउंट चूज़ कीजिएगा, चूज़ करके पे यूजिंग अकाउंट डिटेल्स को क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स सब कुछ देखे, IFSC कोड देखे, जितने भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना सकते चाहते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को कि जो भी अकाउंट को वहाँ पे दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, OTP आएगा, OTP को लिखिएगा, OTP इन करके सबमिट कीजिएगा, फिर 2 सेकेंड में रिचार्ज डन। तो ये है टोटल SBI एनी वेयर का डिटेल्स, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और थंब भी देना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।